मैं इसी बात को आगे बढ़ाऊंगी फातिमा को कलेक्टिव ऐसी हीलिंग नहीं हमारी सोसाइटी के लिए हो सकती कि हमें बर्दाश्त आ जाए हमें सबर आ जाए एक्सेप्टेंस आ जाए ऐसा नहीं हो सकता अच्छा इसमें स्टेजेस हैं और डेफिनेटली हीलिंग होती है लेकिन इतनी बड़ी कलेक्टिव के पूरा मुल्क ही उसमें शामिल हो जाए शायद हम लोग जनरली उसको फॉलो नहीं करते और कर मेरे ख्याल से थोड़ा डिफिकल्ट भी होगा लेकिन जनरली जैसे मैं करती हूँ तो इन द मॉर्निंग जब मैं मेडिटेट करती हूँ तो आई डू सेंड हीलिंग जनरली लेकिन यह है कि जिसको चाहिए होगी वो एक्सेप्ट कर लेगा और हीलिंग ऐसी चीज़ नहीं है कि हर बंदा एक्सेप्ट करे

Uh, आपके बॉडी फ़ैराम से अब हम तीन लोग यहाँ पे मौजूद हैं और माशाल्लाह दो तीन कैमरामैन भी मौजूद हैं तो अब इस रूम के अंदर एक और जो क्रिएट हो रहा है वो मल्टी डायमेंशनल uh, तो नहीं कहूँगी इसको मल्टी कलर्ड और है अच्छा ठीक है उसी में बॉडी फ़ैराम रोटेट कर रहे हैं मैं यहाँ से उठ के चली भी जाऊँगी हो सकता है आपको लगे थोड़ी देर के बाद कि नहीं अभी तो यू नो शी स्टिल प्रेजेंट इन सम वजह से कई लोग दुनिया से चले जाते हैं और हम कहते हैं इस कमरे में इस बंदे का थोड़ा सा इमेज अभी भी बाकी है एज इन उनकी अपनी लाइब्रेरी में या ऐसी जगह जहाँ पे वो बहुत बैठते थे okay. वक्त गुजारते थे अच्छा 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 तो वो बेसिकली आपके बॉडी फेरामोन्स हैं वहाँ एग्जिस्ट करते हैं आपके जाने के बाद भी हवा में मतलब वो क्या उसको एनर्जी रह जाती है एंड सो इट इज लेस आफ्टर ग्लो इज प्रोबब्ली इज द राइट ओके ओके इट इज स्पूकी आई गेस नहीं नहीं इट इज भी ट आपने, ah. exactly, uh, आपने कहाक उन्होंने मुझे दोबारा जरूरत नहीं पड़ी hmm. क्योंकि जबरदस्त बात यह है की वंस आई सेंड इट टू यू तो जब तक यू you नो know, अगर मैं फर, फर्ज कर देती हूँ लेकिन आपको ज़रूरत है उसकी तो वो आपको टैप करती रहेगी आहिस्ता आहिस्ता उसका रेजोनेंस okay. कम हो जाएगी अच्छा अच्छा रेजिलियंस या रेजोनेंस उसकी कम हो जाएगी ऑन योर बॉडी ऑन योर और लेकिन वो रहेगी वहाँ पर